जी न्यूज इंडिया उत्तर प्रदेश। आइए देखते हैं खबर विस्तार से। लोहिया वाहिनी करे संवाद, आएगा फिर समाजवाद। समाजवादी लोहिया वाहिनी समीक्षा एवं जनसंवाद के तहत हुआ मुडारी में कार्यक्रम। लोहिया वाहिनी के प्रदेश महासचिव अमेंद्र आर्य की उपस्थिति में हुआ कार्यक्रम। सपा के वरिष्ठ नेता पुष्पेंद्र यादव भी रहे मौजूद। लोहिया वाहिनी के इस कार्यक्रम में बीजेपी पर जमकर निशाना साधा गया और लोगों को बताया गया कि सपा ही आपकी हितेशी पार्टी है। लोहिया वाहिनी के प्रदेश महासचिव ने कहा कि आने वाले समय में योगी जी को सपा मठ में भेजने का काम करेगी। काल का प्रधान साक्षी जी, साथियों, आज हम महोबा जिले के क्रांतिकारी गांव मुड़ारी में उपस्थित हैं। मैं मुड़ारी गांव के सभी साथी सर, क्या कार्यक्रम का समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव जी के निर्देश पर समाजवादी पार्टी लोहिया वाहिनी की जन संवाद कार्यक्रम के तहत आज हम लोग इस ऐतिहासिक ग्राम मुड़ारी में जनता के बीच में आए हैं। आपने देखा होगा कि जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है, चाहे वो किसान हो, नौजवान हो, मजदूर हो, चाहे लॉकडाउन का मामला हो, सबके सब परेशान हैं। तो हम तो केवल इतना ही कहना चाहते हैं कि आप लोग खुद आत्मचिंतन करिए। इसके पूर्व में आदरणीय अखिलेश यादव की सरकार थी और आज बाबा योगी आदित्यनाथ की सरकार है। खुद आत्मचिंतन करें, किसान किस प्रकार से इस सरकार में परेशान हैं। आज आप देख रहे हैं कि 9 महीने से किसान धरने पर बैठे हैं। और मैं तो भारतीय जनता पार्टी से पूछना चाहता हूं, ये कह रहा है कि हमने किसानों की आय दुगनी कर दी। कोई भी किसान बता दे कि आय दुगनी हुई है कि किसान इनके शासन में परेशान है। और हम चाहते हैं कि 2022 में आदरणीय अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री बनेंगे, किसानों का भला होगा, नौजवानों का भला होगा। इसी आशा और विश्वास के साथ हम लोग जनता के बीच में जा रहे हैं। हालांकि आप जिला पंचायत सदस्य मुड़ारी सीट से जीते हुए हैं, चुनाव के समय आपने कहा था कि बाबा साहब अम्बेडकर की मूर्ति लगेगी मुड़ारी में, विकार कब से शुरू होगा? उसके लिए हम तैयार हैं, जब भी हमें ज़मीन मिल जाएगी हम मूर्ति उपलब्ध करा देंगे। हम अपने साथियों से भी कह चुके हैं कि आप जब भी कहें मूर्ति हम उपलब्ध करा देंगे। ये जमीन सरकारी होगी या फिर किसी की? नहीं, चाहे हमें ग्राम पंचायत की जमीन मिल जाए या कोई निजी जमीन दे दे, मूर्ति लगवाने का काम हमारा है, मूर्ति लगवाएंगे। ग्राम सभा काम है ना, ग्राम सभा। आज समाजवादी लोहिया वाहिनी के जन संवाद कार्यक्रम के माध्यम से आज हम सब लोगों के बीच में ग्राम बुढ़ारी में समाजवादी लोहिया वाहिनी के प्रदेश के महासचिव अमरेंद्र आर्य जी, अविनाश जी, ये लोग सब लोग आए हैं जन संवाद कार्यक्रम में। और ख़ास तौर से उत्तर प्रदेश की जो इस भ्रष्ट निकम्मी सरकार है, इस सरकार की जो गलत नीतियाँ वो सब नीतियों को बता करके समाजवादी पार्टी के नेता, हम सब के प्रिय नेता माननीय श्री अखिलेश यादव जी की नीतियों को बता करके एक आम जनमानस में, क्योंकि उत्तर प्रदेश में शानदार मुख्यमंत्री रहे माननीय अखिलेश यादव जी ने क्या किया और ये भ्रष्ट निकम्मी सरकार क्या कर रही है, इनके बहकावे में ना आकर के आज फिर उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार बना करके जन कल्याणकारी नीतियों को चलाने का काम करना है और उत्तर प्रदेश को खुशहाली के रास्ते पर ले जाना है। ख़ासतौर से महोबा जनपद को फिर से महोबा एक शानदार बनाने का प्रयास करना है। इन्हीं सब चीज़ों के लिए हम लोग सब लोग इकट्ठे हुए हैं। और अपनी बात कहिए, आज पूरा प्रदेश बर्बाद है, बुंदेलखंड बर्बाद है, ख़ासतौर से महोबा जनपद बर्बाद है, ये बात किसी से छुपी नहीं है। कानून व्यवस्था पूरी तरह से फेल हो चुकी है। इन्हीं सब चीज़ों को लेकर के हम लोगों ने आज जनसंवाद किया है और आज लोहिया वाहिनी का जन संवाद फिर से आएगा समाजवाद, इस स्लोगन के साथ आज हम सब आपके बीच में।